नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। सफल खेती के लिए प्रकृति की समझ जरूरी है और प्रकृति की समझ के लिए वनस्पतियों की जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति में आम चीजों में खास गुण होते हैं जो जाने अनजाने में हम अपने दिनचर्या में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इन्हीं आम दिखने वाली वस्तुओं का प्रयोग करके आप खेती में अपना खर्चा काफी हद तक कम कर सकते हैं और वनस्पतियों के ज्ञान से आप खेती में खर्चा कम करने का विज्ञान भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का निचोड़ मैंने लगभग 400 रिसर्च पेपर से लिया है और इनमें से कई तरीकों का प्रयोग मैं अपने फार्म पर पहले कर भी चुका हूँ और लगातार कर भी रहा हूँ, और ये सारी जानकारी आज आपको भी मिल जाएगी। तो मेरे सालों की मेहनत के बदले दोस्तों, एक लाइक का हक तो बनता ही है। अब दोस्तों, अर्क निकालने के लिए कई तरीके होते हैं और एक ही पौधे के अलग अलग हिस्से से, यानी जड़, तना, फल, पत्तियां, बीज इत्यादि से निकाले गए अर्क में अलग अलग गुण होते हैं। इसलिए अर्क निकालने में यह भी बहुत मायने रखता है कि पौधे के किस हिस्से का अर्क है, और यहाँ तक कि एक ही हिस्से के अर्क को अलग अलग तरीके से निकालने पर भी अलग अलग परिणाम मिलते हैं। इसलिए ये काफी जटिल विज्ञान है और इस पर सालों से कई देशों में बड़े पैमाने पर शोध चल रही है, जिनमें से अपने यहाँ भारत में आसानी से मिलने वाले 21 पौधों को मैंने चुना है। ये दिखते साधारण है लेकिन क्षमताएं इनमें अद्भुत है। ये हैं नीम, लहसुन, यूकेलिप्टस, लौंग, हल्दी, लेमन ग्रास, अजवाइन, बबूल, बकायन नीम, सरसों, गुल मेहंदी, अदरक, पपीता, तंबाकू, जंगली तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, अनार, सहजन और मिर्च का पौधा। और दोस्तों, रिसर्च पेपर में वैज्ञानिक तथ्य बहुत ही जटिल होते हैं और इनको आसानी से आपको समझाने के लिए मैंने इन 21 पौधों को कुछ कसौटियों के हिसाब से बांट दिया है। वे कुछ इस प्रकार हैं। पहला है जीवाणुओं की वृद्धि, और इसका महत्व दोस्तों मैंने कई वीडियोस में बताया है। दूसरा है कीटों से बचाव, यानी कीटनाशक प्रभाव। तीसरा है बायोस्टिमुलेंट, यानी उत्तेजक जो जैविक क्रियाओं को तेज कर देते हैं। चौथा है खरपतवार नाशक प्रभाव, और पांचवा है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। अब नीम, लहसुन, बकायन नीम और नींबू वर्गीय पौधों से बनाए गए अर्क में यह पाया गया कि फसलों में सूक्ष्म जीवाणुओं की बढ़वार हुई, कीटों से बचाव हुआ और फसल में तेजी से वृद्धि हुई, यानी बायोस्टिमुलेंट का भी गुण दिखाई दिया। यानी पहले तीनों कसौटियों पर ये काफी अच्छे साबित हुए, लेकिन बकायन नीम में माइट्स के प्रति ज्यादा सुरक्षा मिली। इसी प्रकार यूकेलिप्टस और अजवाइन के अर्क से तीन गुण मिले, जीवाणुओं की वृद्धि, कीटों से बचाव और खरपतवार नाशक का प्रभाव भी इसमें देखा गया। इसी तरह गुल मेहंदी और अनार के अर्क से भी तीन गुण पाए गए, कीटों से बचाव हुआ, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवाणुओं की वृद्धि। अब सहजन के अर्क में भी तीन गुण मिले, जीवाणुओं की वृद्धि, बायोस्टिमुलेंट की तरह इसने काम किया और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित किया। और चार गुणों को प्रदर्शित करने वाली हमारी लिस्ट में एकमात्र हल्दी ही है। इसके अर्क के इस्तेमाल से जीवाणुओं की वृद्धि भी हुई, कीटों से बचाव भी हुआ, बायोस्टिमुलेंट की तरह भी इसने काम किया और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधों में विकसित की। और इसलिए हल्दी का इस्तेमाल आप सभी प्रकार के जैविक घोलों में कर सकते हैं। और सभी पांचों गुण को एकमात्र लेमन ग्रास में देखने को हमें मिला, और बंजर इलाकों में इसकी खेती बहुत ही दोस्तों लाभदायक होती है। अब लौंग और पपीते के अर्क में जीवाणुओं की वृद्धि हुई और सिर्फ कीटों से बचाव हुआ, यानी इनको सिर्फ दो गुण मिले। इसी प्रकार सरसों और दालचीनी से जीवाणुओं में वृद्धि हुई और पौधों की बढ़वार तेज थी, यानी बायोस्टिमुलेंट की तरह भी इसने काम किया। बबूल में जीवाणु वाले गुण और खरपतवार नाशक का प्रभाव दिखाई दिया। अदरक में जीवाणुओं की वृद्धि हुई और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ। इसी प्रकार काली मिर्च के अर्क से कीटों का बचाव हुआ और खरपतवार नाशक का भी प्रभाव दिखाई दिया। मिर्च और तंबाकू में सिर्फ कीटों का नियंत्रण हुआ और जंगली तुलसी से जीवाणुओं की में वृद्धि हुई। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पौधों के सभी गुणों को पाने के लिए पौधे के सभी हिस्से को बराबर मात्रा में छांव में सुखाकर पीसना होता है और फिर इथाइल अल्कोहल यानी शराब में इसको घोलकर इसको फिर या तो आप छानकर इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको वाष्पित करके निकालते हैं। लेकिन क्योंकि कई तत्व और एंजाइम्स इत्यादि पानी में नहीं घुलते और इथाइल अल्कोहल हम इंसानों के लिए कोई ज्यादा हानिकारक भी नहीं है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सूक्ष्म
जीवाणुओं के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन पानी किसी भी पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, कीड़े मकौड़े और सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए ज्यादातर मेरी सलाह यही रहेगी कि खेती में पौधे का अर्क निकालने के लिए हमेशा पानी का इस्तेमाल करिए। इससे गुणों की तीव्रता में कुछ कमी जरूर हो सकती है, लेकिन ये आपका हर प्रकार के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित होगा। और यदि ज्यादा समस्या है तो फिर आप अल्कोहल विधि से एक बार अर्क निकाल कर वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घर पर अर्क निकालने के लिए ना तो हमेशा हमको पौधे के सारे हिस्से मिलेंगे और ना ही सुखाने के लिए इतना समय, इसलिए जो भी हिस्सा पौधे का मिले जैसे पत्तियां, टहनी इत्यादि, इन सब का पेस्ट बना लीजिए और पानी में इसको घोल देना है। 24 घंटे बाद छानकर उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तत्व कम वाष्पित होते हैं और अर्क अच्छा काम करता है। हालांकि विशेष पौधे जैसे समुद्री शैवाल के कुछ एंजाइम्स निकालने हुए या कुछ अन्य तत्वों को निकालना हुआ तो इसके लिए कई वैज्ञानिक तरीके भी काम में लिए जाते हैं, जैसे एंजाइम असिस्टेड एक्सट्रैक्शन या प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन इत्यादि। वैसे इनका इस्तेमाल एक आम किसान शायद ही कभी करे, इसलिए हमारा मुख्य ध्यान आम तरीकों पर ही रहेगा और आसान तरीकों पर ही रहेगा। अब दोस्तों, स्प्रे से पौधे में काफी बदलाव किए जा सकते हैं और ये बात आप सभी को पता है। अब क्योंकि स्प्रे तुरंत काम करता है, इसलिए मात्रा बहुत ही मायने रखती है। इसलिए मुझे एक एक करके ही सबको बताना पड़ेगा अगर आप किसी अर्क को देना चाह रहे हैं। सबसे पहले लहसुन, इसका अर्क निकालने के लिए 100 ग्राम लहसुन का पेस्ट 1 लीटर पानी में आपको घोलना पड़ेगा और 24 घंटे बाद इसको आपको छान लेना है। इस दवा का इस्तेमाल 5 ml प्रति लीटर की दर से आपको करना चाहिए। इसका फसल में 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल करने पर यह बढ़वार को रोक देता है और उचित इस्तेमाल करने पर सभी फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कई फफूंदी जनक रोगों से बचाता है। फसल में बढ़वार को भी तेज करता है और कई जैविक क्रियाओं को भी काफी तेज करने में ये मदद करता है। पौधे में हरापन ज्यादा लाने में भी मददगार होता है लहसुन, और पौधे के संपूर्ण विकास में ये काफी मदद करता है। आप अंकुरित लहसुन अगर लेते हैं तो इसके अर्क में भी NPK की मात्रा ज्यादा आ जाती है। दूसरा है सहजन, इसकी पत्तियों का अर्क बनाने के लिए आपको 1 किलो सहजन की पत्तियों का पेस्ट 2 लीटर पानी में घोलना पड़ेगा और उसको 24 घंटे बाद आपको छानना है। दोस्तों, ये जो भी घोल मैं बता रहा हूँ 24 घंटे बाद छानने के लिए, इसको बीच में 1 या 2 बार आपको हिलाना पड़ेगा ताकि उन पत्तियों का अर्क उसमें अच्छे से घुल जाए। अब इस छाने हुए अर्क का इस्तेमाल आपको 20 ml से 50 ml प्रति लीटर की दर से आपको करना है। इसका भी इस्तेमाल आप लहसुन की ही तरह किसी भी फसल पे कर सकते हैं। और दोस्तों, सहजन का पेड़ ऐसे ही YouTube पर इतना फेमस नहीं है अपने गुणों को लेकर, क्योंकि ये पौधे को तनाव से बाहर निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, NPK देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सूक्ष्म तत्वों को भी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा विषैले तत्वों का प्रभाव कम करने की भी क्षमता होती है। यहाँ तक कि पानी का नियंत्रण करने की भी क्षमता इसके अर्क में होती है और जीवाणुओं की क्रिया को बढ़ाता भी है। बीजों को बनने में भी काफी अच्छा योगदान होता है और कहा जाए तो संपूर्ण विकास में मदद करता है। दोस्तों, मैं हर चीजों को अलग अलग इसलिए बताता हूँ ताकि सिर्फ संपूर्ण विकास कहने से लोग बातों को उतना वजन नहीं देते। इसका भी बेहिचक इस्तेमाल आप किसी भी फसल पर हर अवस्था पर कर सकते हैं और ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया फसलों पर। सहजन का पेड़ दोस्तों अच्छे जीवाणुओं को आश्रय भी देता है और इनकी संख्या को खेत में बढ़ाता भी है। इसलिए जीवामृत बनाने की विधि में मिट्टी आपको पीपल, बरगद या सहजन के पेड़ के नीचे से ही लेनी होती है। अब तीसरा है मुलैठी, यह हमारे स्वास्थ्य के साथ पौधे का स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है। लेकिन इसका अर्क दोस्तों 2 तरीकों से निकाला जाता है और दोनों में लकड़ी का पहले पाउडर बनाना पड़ता है ताकि अर्क अच्छे से निकले। अब पहला तरीका साधारण है, इसमें 5 ग्राम पाउडर आपको प्रति लीटर लेना है और इसको मिलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। बीच में 1 या 2 बार आप घोल दीजिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है और इसको छान कर आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई और पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप पानी उसी मात्रा में मिलाइए, लेकिन पानी को आपको 50 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म करना है, उसके बाद फिर आपको 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। इससे मुलैठी के ज्यादा तत्व पानी में घुल जाते हैं और इसके ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसका प्रयोग भी कई फसलों पर किया जा चुका है कई वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे गेहूं, मक्का, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च और अन्य फसलें।
हैं और सब पर इसका परिणाम काफी अच्छा मिला है। यह पौधों में हरापन लाता है, पौधों की शाखाएं बढ़ती हैं, ज्यादा कलनों का फुटाव होता है, फलों की गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे बादाम के पेड़ में इसके इस्तेमाल से मैंगनीज, आयरन और जिंक की मात्रा फलों में बढ़ गई, जमाव में वृद्धि होती है और पौधे में खाने का संचार भी काफी अच्छा होता है। यहाँ तक कि जैविक क्रियाओं को तेज करने में भी ये काफी मदद करता है। लेकिन इसकी मात्रा आपको 5 से 15 ग्राम प्रति लीटर तक ही रखना चाहिए। 15 ग्राम के ऊपर इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि किसी भी रिसर्च पेपर में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाया गया, लेकिन किसी ने भी इसको 15 ग्राम के ऊपर भी इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी है। अब अगला है नीम। दोस्तों, ये विश्व प्रसिद्ध है अपने गुणों को लेकर और इसके अलग अलग हिस्से जैसे पत्ते, तने और बीज से अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे पत्तियों के पेस्ट को पानी में घोलकर, खली को पानी में घोलकर, लकड़ी के पाउडर को पानी में घोलकर या फिर बीज से तेल निकालकर, और इन सब का अलग अलग फसलों पर विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि नीम से खाद, फफूंदी नाशक, कीटनाशक, टॉनिक और खरपतवार नाशक भी बनाया जा सकता है। इसके पत्तियों का अर्क बनाने के लिए 1 किलो नीम की पत्तियों का पेस्ट आपको 2 लीटर पानी में घोलना पड़ेगा और उसको 24 घंटे बाद छानना है। इसकी मात्रा आपको 10 ml से 50 ml प्रति लीटर तक रख सकते हैं। अब नीम की लकड़ियों का अर्क निकालने के लिए इसके पाउडर को 500 ग्राम प्रति 2 लीटर के लिए लेना है और इसको घोलकर 15 मिनट तक इस पानी को 50 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म करना है और फिर 24 घंटे बाद इसको छानना है। इसकी मात्रा भी आप 10 ml से 50 ml प्रति लीटर तक आवश्यकता के हिसाब से रख सकते हैं। और नीम खली का अर्क निकालने के लिए 500 ग्राम खली 10 लीटर पानी में घोलना है और 48 घंटे बाद छानना है। इसकी मात्रा आप 50 ml से 100 ml प्रति लीटर तक रख सकते हैं। इन सभी के इस्तेमाल से सभी प्रकार के कीटों से बचाव होता है, पौधे के बढ़वार में तेजी देखी गई है और असंख्य अच्छे प्रभाव पौधे पर देखे जा सकते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में यह पौधे की पत्तियों को जला भी सकता है और कुछ दुष्प्रभाव भी दिखा सकता है। वैसे तो दोस्तों, वनस्पतियों के महत्व का कोई अंत नहीं है, इसलिए इनको कई अन्य भागों में मैं बताऊंगा और कमेंट्स में जिन भी वनस्पतियों के बारे में आप जानना चाहते हैं आप उनके बारे में बताइएगा, मैं अगले भाग में उनको जरूर सम्मिलित करूंगा। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस परिवार में। अब दोस्तों, स्प्रे के अलावा मिट्टी से भी अर्क देने पर ये पाया गया है कि यदि आप पत्तियों को खाद बनाकर या सीधे मिट्टी में दबा देते हैं, उसकी अपेक्षा निकाले गए अर्क ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेज काम करते हैं। इसलिए इन अर्कों का विशेष महत्व है खेती में। और अंत में एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक और कुछ टिप्स आपके तुरंत के खेती के लिए। दोस्तों, सरफोंक या सरपुंखा, राजस्थान में इसे मासा भी कहते हैं, कई जगह जंगली नील कहते हैं और इंग्लिश में इसे फिश पॉइजन कहते हैं, क्योंकि यह मछलियों को लकवा मार देता है और इसका इस्तेमाल तालाब में मछलियों को खत्म करने के लिए भी लोग करते हैं। लेकिन इसके साथ इसमें कीड़ों को मारने की भी अद्भुत क्षमता होती है और रस चूसक कीड़ों पर जैसे अफिड्स का तो ये रामबाण इलाज है। इसके लिए आपको 100 ग्राम सरफोंक के पत्ते का पेस्ट, इसके साथ 100 ग्राम नीम की पत्ती का पेस्ट और 50 ग्राम लहसुन का पेस्ट मिलाकर 2 लीटर पानी में आपको घोलना है और 24 घंटे बाद इसको छान लेना है। यह आप 5 ml से 15 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं आप अपनी फसलों पर। इससे सभी प्रकार के रस चूसक और अन्य बड़े कीड़ों पर भी इसका प्रभाव काफी अच्छा रहता है। और अगर आप लगातार इसको प्रिवेंटिव स्प्रे यानी सुरक्षा के तौर पर आप इसको हर हफ्ते एक बार करते हैं तो फसल में किसी भी प्रकार का कीट लगने का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और इस समय की फसलें जैसे गेहूं, चना, मटर इत्यादि में आपको सोयाबीन के बीजों का पेस्ट 50 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलना है और इसको छानकर सीधा स्प्रे करना है। इससे आपको ठंड की फसलों में काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आज लाइक जरूर कीजिएगा। कोई मतभेद हो दोस्तों तो उनको भी बताइए, तर्क होंगे लेकिन किसी एक की गलतफहमी जरूर दूर होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।